ओके सो आ गए या वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन आश्रय एकेडमी। मेरा नाम सूर्या मिश्रा है और स्वागत है आपका इस एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का जो टॉपिक है ना, वो मुझे लगता है हर एक बिजनेस ओनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक ऐसा चीज़ है जो कोई भी डील क्लोज करने के पहले टपक आता है, या फिर किसी वेंडर से हम बात करते हैं तब ये चीज़ हो जाती है, ठीक है, या फिर कुछ भी हम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के तो हम इस पॉइंट पे आते ही आते हैं। अगर आप नहीं आते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, आप नहीं चाहते हो लोगों से बहस करना, या फिर पॉइंट है कि आप लोगों से बहस ही नहीं करना चाहते हो, ठीक है। मैं जिस चीज़ का बात कर रहा हूँ ना, वो है निगोसिएशन, मोल भाव आसान भाषा में। सो यार देखो, हम कुछ भी करने जाते हैं ना, मोल भाव तो करना ही पड़ता है, ठीक है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे एक टीम मेंबर है, ठीक है, जो जिसने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया, ठीक है, तो उसको फील्ड में ना डिलीवरी करने जाना था एंड ही वांटेड अ बैग, उनको एक डिलीवरी बैग चाहिए था। हम गए एक पास के दुकान पे ही। सो क्या था, हम वहाँ पे गए तो हमें एक बैग खरीदना था। दुकानदार ने बोला भैया 250 रुपये मैं लूँगा। हम लोग उनसे, हमने सोचा कि नहीं, इसका 250 नहीं देना चाहिए। हमने एक पॉइंट हमने अपने माइंड में डिसाइड किया, भैया हमको इससे ऊपर नहीं देना है, ठीक है। सो उसके बाद से बोला ठीक है भैया 5 रुपये कम कर दो, तो हो गया 245 रुपये। धीरे 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 करते करते हम लोग आए 200 रुपये पे, हमने उसको डन कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको मोल भाव तो करना ही, आप चाहे सब्जी खरीदने जाओ या फिर कुछ भी करने जाओ, ठीक है। यू हैव टू डू नेगोशिएशन। अगर आप नेगोशिएशन नहीं कर रहे हो सो थोड़ा आपको इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। कौन नहीं चाहता कि दो पैसे बचे हमारे। सो या सो नेगोशिएशन निंजा इस वीडियो का टॉपिक है। नेगोशिएशन निंजा 10 सीक्रेट्स टू मास्टरिंग द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन फॉर बिजनेस सक्सेस, ठीक है। सो इस वीडियो में ना हम कुछ 10 सीक्रेट्स के ऊपर बात करेंगे, जिसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में या फिर अपने बिजनेस में, एंड यू कैन डू अ विनिंग नेगोशिएशन। विनिंग नेगोशिएशन क्या कहते हैं, जो आपने सोचा इतना पैसा देना है मतलब इतना पैसा देना है, अगर आपने उस चीज़ पे लाके वो डील क्लोज कर, देन इट्स अ विनिंग नेगोशिएशन, ठीक है। सो या सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, अब हम वीडियो के मेन टॉपिक पे ऊपर कूद जाते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बड़ी मुश्किल से 100 पे माना है। जो सबसे पहला सीक्रेट है ना, सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज। जैसा कि मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था कि हम बैग वाले के पास गए थे बैग खरीदने के लिए, वहां पे हमने ना सोच लिया कि हमारे पास एक क्लियर गोल था कि हमें भैया 200 रुपये से ऊपर नहीं देना है। अब तुम चाहे उस बैग का 400 रुपये रेट लगाओ, चाहे तुम 300 लगाओ, हम 200 ही देंगे। हमें पता था कि हमारा गोल क्या है, हमें कितना पैसा देना है, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ नेगोशिएशन इज टू हैव क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज। आपके पास क्लियर गोल और प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बैग लेना है या फिर बैग नहीं लेना है। आपका गोल प्रायोरिटी सेट होना चाहिए बिफोर डूइंग नेगोशिएशन, ठीक है। बिकॉज अगर आपकी चीजें नहीं, वो नेगोशिएशन किसी काम का, ओके। सो इज द फर्स्ट पॉइंट, सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज। दूसरा पॉइंट वो है टू योर, आपको उस के पना साइंस का जेनरेट हम दे सकते नहीं दे सकते। यू शुड हैव योर नॉलेज इनटू दैट। कि सपोज करो आप आलू लेंगे बाजार में, ठीक है, आलू का भाव चल रहा है 30 रुपए किलो, ठीक है, और आप दुकानदार से बोलो नहीं भैया मैं 25 रुपए दूंगा, कहां से दुकानदार देगा भाई तुम्हें आलू, ठीक है। आपके पास आपका होमवर्क पहले से डन रहना चाहिए, अच्छा मार्केट में ये रेट चल रहा है हमें इसी रेट पे लेना है, ठीक है। सो यू शुड डू योर ओन होमवर्क। अगर आप कोई डील कर रहे हो किसी कस्टमर के साथ, आपका सपोज करो हम लोग सैनिटरी पैड्स में डील करते हैं, ठीक है, जो हमारा आश्रय हाइजीन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, वेर इन वी डील इन सैनिटरी पैड्स और ब्रांड नेम इज सेफ ओशो। सो वी नो कि मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, किस ब्रांड का क्या रेट है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। सो हम अगर किसी कस्टमर साथ नेगोशिएट करते हैं या फिर कोई कस्टमर हमारे साथ नेगोशिएट करता है, वी नो कि क्या कहाँ पे क्या रेट चल रहा है क्या रेट नहीं चल रहा है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर हमसे झूठ नहीं बोल पाता है कि नहीं भैया ये ब्रांड तो हमें इतना ही का दे रहा है या फिर यहाँ पे हमें इतना ही का मिल जा रहा है, बिकॉज हमें पता है वो चीज़ नहीं पॉसिबल है, या कस्टमर बहुत कम बोल रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ से मिलेगा, ठीक है। सो आपका होमवर्क भी अपने एंड से क्लियर रहना चाहिए कि हाँ भाई इस चीज़ का मार्केट में ये रेट चल रहा है या फिर जो भी जैसा है, आपको वो चीज़ें पता रहनी चाहिए पहले से। जो तीसरा चीज़ है, बिल्ड रेपो एंड ट्रस्ट। आप ऐसे ही किसी जाके ना सीधे
मतलब वो नहीं कर सकते, नहीं भैया मुझे इतना ही कर दे दो, इतने का मत दो, ठीक है। वो हो सकता है कि वो नेगोशिएशन सक्सेसफुल ना हो और वो चीज़ आप सही से नेगोशिएट ना कर पाओ। नेगोशिएट करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप उसका रेपो बनाइए, आप उसके बारे में जानिए, वो आपके बारे में दो बातें जानेगा। धीरे धीरे आप दोनों बात करेंगे, रेपो बिल्ड होगा आपका, धीरे धीरे आप दोनों में ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। और उसके बाद जब आप कुछ बोलेंगे ना, या फिर अगली पार्टी आपसे कुछ बोलेगी, देन यू विल गिव वेटेज टू इट। अच्छा भैया ये तो मेरे बारे में, बिकॉज एक इमोशनल थोड़ा कनेक्शन हो जाता है ना एक दूसरे के बीच में। सो उस टाइम पे जब आप कुछ भी डिसीजन लेंगे या फिर कुछ भी बोलेंगे अगली पार्टी से, चांसेस आर दैट कि वो अगली पार्टी जो है वो आपकी बातें एक्सेप्ट करेगी एंड यू विल डू अ सक्सेसफुल नेगोसिएशन। सो बिल्डिंग रेपो एंड ट्रस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर डूइंग एनी नेगोसिएशन। कोई भी नेगोशिएशन करने से पहले भाई उसके बारे में दो बातें जानो, तुम अपने बारे में दो बातें बताओ, ठीक है। किसी कस्टमर से बात करो तो उसकी बातें सुनो, घर पे क्या हुआ, धंधे में क्या चल रहा है उसके, ये सारी चीज़ें आप समझो जानो एंड उसके बाद से ही नेगोशिएशन करो। बिकॉज उससे क्या होगा ना कि आपका एक इमोशनल कनेक्ट बन जाएगा आपके, आप जिससे भी नेगोशिएट कर रहे हो, ठीक है। सो माई पॉइंट इज दैट कि आप थोड़ा रिलेशन, फिर से वही रिलेशनशिप वाली बात रिपीट हो रही है, ठीक है। सो आप कोई भी नेगोशिएशन करने से पहले थोड़ा रिलेशनशिप डेवलप कर लो, या फिर रेपो बिल्ड करो, या फिर ट्रस्ट बिल्ड कर लो। सो आफ्टर बिल्डिंग रेपो एंड ट्रस्ट, जो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो है फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजिशन। यानी कि आपको अगले बंदे का इंटरेस्ट जानना है कि वो किस चीज में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कि मैंने जो आप शुरुआत में एग्जांपल बताया ना, वो बैग वाले का, हम लोग बैग वाले के पास गए, हमने नेगोशिएट किया उससे, 200 रुपए पे हमने बैग खरीद के हम उससे लेते हैं, हमने उसको क्या, उसका इंटरेस्ट क्या था कि हमारे वहाँ उसका बैग ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ठीक है। तो हमने वही चीज़ उससे बात की कि भैया इस बार हम बैग ले जा रहे हैं ना, अगर आपका बैग अच्छा रहा या फिर सही से चला तो हम अगली बार आप ही के वहाँ से बैग ले जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या पता चला ना उसको कि अच्छा चलो इस बार मैं थोड़ा रेट कम ही करके देता हूँ, अगली बार तो ले ही जाएगा, अगली बार तो मैं इसे कमा ही लूँगा, ठीक है। सो जब आप इंटरेस्ट सेट कर देते हैं, या फिर जब आप उसको बता देते हैं ना कि भैया हम अगली बार से तुम्हारे वहाँ से ले जाएंगे, या फिर हम कोई रेफरेंस भेज देंगे तुम्हारे वहाँ से, वो बैग तुम्हारे वहाँ से ले जाएगा, ठीक है। सो उससे क्या होगा, नेगोशिएशन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, या फिर उस चीज़ को क्लोज करना, उस नेगोशिएशन को क्लोज करना, या फिर उस नेगोशिएशन को सक्सेसफुल बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आपको अगले के इंटरेस्ट को जानना है कि अगला क्या चाह रहा है, ठीक है। तुम चाह रहे हो कि हम प्रोडक्ट दाम कम करें, ठीक है प्रोडक्ट दाम कम कर देंगे, लेकिन उसके पीछे इंटरेस्ट जानिए, क्या है उसका इंटरेस्ट, ठीक है। सो उस तो ये चीजें लीड करेंगे इवेंचुअली किसमें, सक्सेसफुल नेगोशिएशन में। सो फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट ऑन पोजीशन। जो पांचवा चीज है ना, यूज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग सब्जेक्टिव हो जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेके। ऐसा नहीं होना, इफ़ यू आर डूइंग नेगोशिएशन, आपको इमोशनल और वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है ना, इमोशनल जजमेंटल ये सारी चीज़ें नहीं होनी। आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जैसे कि मार्केट का क्या डेटा अवेलेबल है, बैग वाले केस में बैग का क्या भाव चल रहा है, उस बैग को हम क्या दे सकते हैं, फैब्रिक का क्या रेट चल रहा है, चेन्स का क्या, इस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट, हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस बैग का इतना रेट देना है या फिर नहीं देना है, ठीक है। सो आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज को इंक्लूड कीजिए, इंडस्ट्री का क्या डिमांड है। अगर मान लो सपोज करो कोई एक सीजनल प्रोडक्ट आप उठाइए, लेट्स से व्हाट वी कैन से, लेट्स से वी हम लोग आम का सीजन आ रहा है, लेट्स से वी हैव टू बाय मैंगोज, ओके। हम क्या करते हैं कि अगर हम लोग सीजन जब स्टार्ट होता है ना तो रेट्स थोड़े कम होते हैं, बिकॉज मार्केट में सफिशिएंट सप्लाई होता है, बट जैसे जैसे आम का सीजन खत्म होने वाला रहता है ना, वैसे वैसे आम के भाव बढ़ते जाते हैं। उस टाइम पे अगर आप किसी दुकानदार जाएंगे नेगोशिएट करने, वो करेगा ही नहीं, हमारा अगर 100 रुपये किलो है मतलब 100 रुपये किलो, हम 1 रुपया कम नहीं करने वाले हैं। बट अगर मार्केट में उसका डिमांड पूरा भरपूर है, सप्लाई भरपूर है मार्केट में आम का, आप जाएंगे नेगोशिएट करने, यू कैन डू ईजिली, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। सो आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज को दिमाग में रखना है कि इस चीज़ पे हम नेगोशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर सप्लाई आम का ज़्यादा है मार्केट में, ऑब्वियसली आप नेगोशिएट कर सकते हो और रेट आपको बेटर मिल जाएगा। बट सीजन एंडिंग की तरफ अगर आप जाएं और जहाँ पे मार्केट में डिमांड या फिर डिमांड नहीं सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है, अगर मार्केट में 10 आम वाले हैं और उन 10 फल वाले हैं और उन 10 फल वालों के बीच में बस 2 आम वाले बैठे हैं जो कि आम बेच रहे हैं, जाहिर सी बात है ना आप नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। सो आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज को अपने दिमाग में रखना चाहिए,
जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है यूज द पावर ऑफ साइलेंस। जरूरी नहीं है कि अगर आप नेगोशिएशन करने जा रहे हैं तो आपको हरदम बोलते ही रहना है, ठीक है। यू हैव टू बी साइलेंट ताकि आप अगले बंदे का ना आप ट्रू इंटेंशन जान सको कि वो क्या कर। अगर आप दुकान पे जा रहे हो बैग लेने, हम बैग लेने गए थे तो हम कभी कभी हम शांत रह के ना हम अगले की बातें सुनेंगे, अच्छा वो क्या कह रहा है क्या नहीं, वहां से हम कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एवरी कॉन्वर्सेशन हैज सम गोल और सम इंटेंशन, किसी भी कॉन्वर्सेशन में कोई ना कोई इंटेंशन तो होता ही है। तो अगर शांति से किसी की बात सुनेंगे या फिर कोई आपकी बात सुनेगा तो अगला आपके एक्सपेक्टेशंस को जान सकता है कि आप क्या चाह रहे हो, या फिर अगर आप शांति से किसी की बात सुनते हो तो आप उसके एक्सपेक्टेशन जान जाओगे क्योंकि वो क्या चाहता है। तो आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजिकली डिसाइड कर सकते हो कि हमें नेगोशिएशन को किस डायरेक्शन में ले जाना है। बिकॉज नेगोशिएशन मतलब मैं क्या सोचता हूँ ना कि एक दूसरे के इंटरेस्ट को जब आप मीट कर लोगे या फिर अगला आपसे क्या चाहता है अगर उस चीज को आप मीट कर लोगे वहीं पे नेगोशिएशन सक्सीड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करें, सपोज वी आर डीलिंग इन सैनिटरी पैड्स, वी क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटर्स, वी आर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, सो कभी कभी ना कस्टमर्स का अगर प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दिए ना वहां से कस्टमर आपसे नेगोशिएट ही नहीं करेगा। हमारे बिजनेस में क्या होता है, कभी कभी कस्टमर्स होते हैं ना मार्केट में बहुत ही कंपनीज हैं, सो कुछ कंपनीज अच्छे से प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करती या फिर कभी कभी कुछ कस्टमर जो चीट कर लेते हैं या फिर कुछ कर लेते हैं। हम कस्टमर बोलते हैं सर आप हमारे ऊपर भरोसा कर लो, ठीक है, आप हमारे साथ काम शुरू कीजिए, आपको धीरे धीरे मतलब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम क्या है क्या नहीं है। सो वेन वी लिसन द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर, हम कस्टमर के प्रॉब्लम को सुनते हैं ध्यान से, उसके ऊपर फिर हम डिसाइड करना चाहें इनको ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर दो ना तो ये डील सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। सो पावर ऑफ साइलेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और इसीलिए छठा जो पॉइंट है यूज द पावर ऑफ साइलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी नेगोसिएशन। अब सातवां जो पॉइंट है वो है मेक मल्टीपल ऑफर्स, ठीक है। मेक मल्टीपल ऑफर्स का मतलब क्या है कि अगर आप नेगोशिएशन करने जा रहे हो या फिर कोई आपसे नेगोशिएट कर रहा है तो आप बस एक ऑफर मत दो, आप उनको मल्टीपल ऑफर्स दो। अगर मान लो हमने बैग वाला जो एग्जांपल लिया 250 रुपये का बोला, फिर उसने 5 रुपये कम किया 245 रुपये पे, फिर 10 रुपये कम किया, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या किया उसने मल्टीपल ऑफर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब चीज़ों को आप मल्टीपल चीज़ें जब दूसरे को ऑफर करोगे ना तो वहाँ पे क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि शायद अगर मैं उतना अच्छे से नेगोशिएट नहीं कर पाता तो दुकानदार को मैं 240 रुपये ही दे के आ गया रहता, उससे क्या होता है उसको 40 रुपये का फायदा हो गया रहता एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जब आप मल्टीपल ऑफर्स देते हैं ना तो अगर आप एक बिजनेस हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी कि आपको थोड़े ज़्यादा फायदे होने के चांसेस हैं क्योंकि आपका हर एक ऑफर अलग रहेगा और पॉसिबिलिटी ये है कि कस्टमर आपके ऑफर्स को अगर ऑप्शन 1 नहीं पिक किया ऑप्शन 2 पिक कर लिया ना तो शायद ऑप्शन 2 आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो अगर आप मल्टीपल ऑफर्स आप कस्टमर को देंगे सो उससे नेगोशिएशन के चांसेस सक्सेसफुल नेगोशिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऑलवेज गिव मल्टीपल ऑफर्स टू योर कस्टमर, या फिर अगर आप एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से देखें तो आप कंपनीज को मल्टीपल ऑफर दे दीजिए, ठीक है, क्या अच्छा ये नहीं कर पाओगे तो ये मेरे लिए कर दो, इतना नहीं कर सकते तो इतना मेरे लिए कर दो, ठीक है, या फिर कुछ भी। तो मल्टीपल साइडेड अप्रोच रखिए, मल्टी नोडल अप्रोच इसे हम कहते हैं। सो एक मल्टी नोडल अप्रोच, आप एक ही अप्रोच मत लीजिए, आप मल्टीपल अप्रोचेस लीजिए, भैया मुझे भाव तो कम करवाना है इधर से नहीं तो इधर से तो मैं कम करवाऊंगा या फिर कुछ ना कुछ तो कम करवाऊंगा। सो यूज मल्टीपल ऑफर्स और मेक मल्टीपल ऑफर्स। सो ये सातवां जो पॉइंट था ना ये मेक मल्टीपल ऑफर्स का, इसी से आता है हमारा आठवां पॉइंट, नो योर वॉक अवे पॉइंट। वॉक अवे पॉइंट का मतलब क्या हुआ ना कि अच्छा चलो नेगोशिएशन हो गया, ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, जो हमने बैग वाली बात की थी 250 रुपये से हम लोग 200 रुपये के तक आ गए, लेकिन अगर मैं 200 रुपये के नीचे जाता ना तो चांसेस थे कि वो बंदा हमें बैग नहीं देता, और मैंने ये करने की कोशिश की बट ही डिडंट टेक दैट इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है। तो आपको अपना वॉक अवे पॉइंट पता रहना चाहिए कि हाँ मुझे इतने तक गिरना है, इससे ऊपर मैं अपना भाव कम नहीं कर सकता या फिर इससे नीचे मैं इस चीज़ को नहीं बेच सकता। सो आपका वॉक अवे पॉइंट क्लियर रहना चाहिए, इससे क्या होगा ना कि आप कस्टमर अगर आपसे ज़्यादा नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा तो आप बोलोगे मालिक माफ़ कीजिए हम इससे नीचे नहीं कर सकते या फिर इससे नीचे हम लोग नहीं जा सकते, बिकॉज
जरूरी नहीं है कि आप कस्टमर की पूरी बातें मानो, यू हैव टू बी, आपको अपने भी पॉइंट रखनी पड़ेगी, भैया हम इससे नीचे नहीं जा सकते, दैट मीन्स हम नहीं जा सकते, आप लो ना लो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अब इसके नीचे नेगोशिएट करना पॉसिबल नहीं है। सो आपको अपना वॉक अवे पॉइंट पता रहना चाहिए कि यहां तक मैं आ सकता हूं, इसके आगे मैं नहीं जा सकता, ठीक है। सो अगर आपका वॉक अवे पॉइंट क्लियर है, देन इट्स अ ग्रेट थिंग इन मेकिंग अ सक्सेसफुल नेगोशिएशन। सो अब इसी से हमारा जो नवा पॉइंट है वो आता है, यूज द पावर ऑफ टाइमिंग, ठीक है। सो पावर ऑफ टाइमिंग का एग्जाम्पल एक मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम लोग ना एक अपना CRM हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें मल्टीपल यूजर्स के लिए हमें अलग अलग फीस देना होता है, ठीक। अभी रिसेंटली हमने एक नए स्टाफ को ऑनबोर्ड किया, जिसके लिए हमें एक अपने CRM में हमें उस यूजर के लिए वो करना था, उसका एडिशन करना था, जिसके लिए हमें एक एडिशनल चार्ज देना था अपने सर्विस प्रोवाइडर को। तो उसमें क्या हुआ ना कि हमने बोला कि इतना नहीं, इतना आप ले लो, ठीक है। उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम इतना नहीं ले सकते, ठीक है। एंड आई सेड ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते देन वी विल नॉट परचेज। उसके बाद हमने कॉल एंड कर दिया, ठीक है। मैं अभी पेशेंटली वेट कर रहा था कि अगला रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं। 3-4 घंटे बाद अगले कॉल आया, अच्छा सर आप जितना बोल रहे थे ना उतने पे हम लोग इस चीज़ को क्लोज करते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ ना, वो टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल आ गया, उसको लगे कि हाँ अब अगला हाथ से मेरे छूट जाएगा। सो ही कॉल्ड मी एंड ही गेव मी द ऑफर कि अच्छा सर आप इतना वेट, मतलब उसको लगा कि अब शायद इतने देर तक कॉल नहीं किया तो शायद ये हमसे लेगा नहीं ऑफर, हमसे परचेज नहीं करेगा। सो द पावर ऑफ टाइमिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको सब्र रखना है, कुछ भी करने में आपको सब्र रखना पड़ेगा। सो इफ यू आर नॉट पेशेंट, इफ यू आर नॉट यूजिंग द पावर ऑफ टाइमिंग, चांसेस आर कि आप एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे। हमारे बिजनेस के केस में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो हम काफ़ी बार कस्टमर्स आते हैं हमारे पास, वो बोलते हैं नहीं इतने का नहीं, हमको तो यहाँ से इतने का मिल रहा है। हम लोग बोलते हैं अच्छा सर आपको अगर वहाँ से इतने का मिल रहा है ना, आप वहीं से ले लो, ठीक है, क्योंकि एक बेटर प्राइस आपको मिल रहा है, बेटर सर्विस वहाँ से आपको मिल ही रहा होगा, तो आप वहीं से ले लो, फिर आप हमारे पास क्यों आ रहे हो। उसके बाद से हम लोग ज़्यादा बहस नहीं करते हैं कस्टमर साथ, एंड वी ड्रॉप द कॉल। कुछ टाइम बाद कस्टमर खुद ही आगे से आके बोलता है ठीक है हम लोग इतना ही पे आगे हम लोग परचेज कर लेते हैं, ठीक है। सो टाइमिंग आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, दैट्स देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट, ठीक है। सो यू हैव टू यूज द पावर ऑफ टाइमिंग। सो ये जो नवा पॉइंट था ना, इट वॉज द पावर ऑफ टाइमिंग। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नेगोशिएशन इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज नेगोशिएशन एक स्किल है। हर एक बंदा नेगोशिएट नहीं कर सकता, कुछ लोग अपने आप को ऑफेंडेड फील करते हैं, भाई मैं कैसे इससे नेगोशिएट करूं, मैं इसे कैसे 1 रुपये कम करवा लूं, मैं दे दूंगा इसको 1 रुपये। तो द पॉइंट इज कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस। आप धीरे धीरे अगर मैं आपको 9 पॉइंट्स बताया हूं, इसमें से आप 1 पॉइंट उठाइए, इस 1 पॉइंट को इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको रिजल्ट आता है, धीरे धीरे दूसरा पॉइंट इम्प्लीमेंट कीजिए। सो इट्स लाइक इट्स लाइक वॉकिंग द स्टेप्स और क्लाइंबिंग द स्टेप्स, ठीक है। आपको धीरे 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 करके अपने नेगोशिएशन स्किल्स को इम्प्रूव करने हैं। सो द अल्टीमेट थिंग इज दैट कि आपको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, देर इज नो शॉर्टकट फॉर लर्निंग एनी स्किल। आप कोई भी स्किल हो, आप उसका शॉर्टकट तरीके से आप उसे सीख नहीं सकते, एंड सेम गोज विद नेगोशिएशन ऑल्सो, ठीक है। तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूं कि 10 सीक्रेट्स ऑफ मास्टरिंग द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। द फर्स्ट इज सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो, डू योर होमवर्क। तीसरा जो पॉइंट है, बिल्ड रेपो एंड ट्रस्ट। चौथा जो पॉइंट है, फोकस ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट फोकस कीजिए, अगला जो चाहता है वही करो। पांचवा जो पॉइंट है, यूज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यानी कि जो कि मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं, मार्केट में डिमांड सप्लाई जो भी चीज़ें, ये चीज़ें आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज़ को। पावर ऑफ साइलेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6th पॉइंट जो है ये पावर ऑफ साइलेंस है, यूज़ द पावर ऑफ साइलेंस। 7th इज मेक मल्टीपल ऑफर्स, ये नहीं तो ये ले लो, वो नहीं तो वो ले लो, कुछ ना कुछ ले लो, तो मेक मल्टीपल ऑफर्स। 7th पॉइंट, नो योर वॉक अवे पॉइंट, भाई हमें इससे नीचे नहीं जाना है, दैट्स इट। आठवां जो पॉइंट था, नो योर वॉक अवे पॉइंट, आपको पता है कि हाँ अब इससे नीचे मैं नहीं जा सकता, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, ओके। सो नो योर वॉक अवे पॉइंट। 9वां जो पॉइंट है, दैट इज द पावर ऑफ टाइमिंग। मैंने जो एग्जांपल दिया अपने केस का, ठीक है, कि हमें एक CRM का सर्विस लेना था, रेट नहीं कम कर रहा था, कॉल ड्रॉप किया, 4 घंटे बाद अगले ने फिर से कॉल किया, बोला ठीक है आप जितना बोल रहे थे उतना ही पे क्लोज करते हैं। सो यूज द पावर ऑफ टाइमिंग
एंड द 10th इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. सो ये था 10 प्रूवन स्ट्रैटेजीज फॉर मास्टरिंग द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन फॉर बिजनेस सक्सेस. सो आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए अपने बिजनेस में, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर ये चीज़ें ना आप धीरे धीरे करके आप मंथली गोल बना जाए, इस महीने हमें ये वाली स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करनी है, अगले महीने मुझे. सो धीरे धीरे जब आप करके ना, जब आप ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करेंगे, आप देखेंगे कि हाँ ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये काम कर रही हैं. ऑल ऑफ अ सडन इट्स नॉट अ मैजिक कि ऑल ऑफ अ सडन ये काम कर जाएंगे, बट गलती करो सीखो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड इवेंचुअली आप ये चीज़ें मास्टर कर जाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग सक्सेसफुल. ठीक है, तो ये था नेगोशिएशन निंजा का पहला वीडियो. ठीक है, इस प्लेलिस्ट में हम लोग और वीडियोस ऐड करेंगे. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन. आप अपने दोस्तों के साथ, बिजनेस पार्टनर साथ या फिर और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए वीडियो. अगर आपके पास कोई फीडबैक या फिर सजेशन है तो वो चीज़ें कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस चैनल पर नए हैं, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. मेक श्योर टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहे. वैसे मैं बता दूं, हर ट्यूसडे और फ्राइडे को हमारी एक नई वीडियो आपको मिल जाएगी. सो अगर आप चाहें तो आप ट्यूसडे और फ्राइडे को हमारा चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो किसी एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.